आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। शुक्रवार को आदिवासी भील समाज संगठन के द्वारा ग्राम पंचायत मुंडला में मनावर पूर्व विधायक श्रीमती रंजना बघेल का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। आदिवासी भील समाज संगठन के जिलाध्यक्ष संतोष कटारे ने बताया कि पुलिस थाना धर्मपुरी उद्घाटन में आए हुए मुख्य अतिथि मनावर बीजेपी पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री श्रीमती रंजना बघेल ने संगठन के गमछे को लेकर विवादित बयान दिया था कि पीले गमछे वाले चोरी करते हैं। एक और अपनी ही पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासियों का गौरव बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी ही पार्टी के पूर्व मंत्री महोदया श्रीमती रंजना बघेल आदिवासियों को चोर लुटेरे बता रही हैं। संतोष कटारे ने बताया कि किसी भी आदिवासी संगठन पर उंगली उठती है तो हमारा आदिवासी भील समाज संगठन हमेशा चट्टान बनकर उनके सहयोग में खड़ा रहेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देगा। काटाने ने और बताया कि पूर्व मंत्री रंजना बघेल समाज से माफी मांगे नहीं तो समाज कभी माफ नहीं करेगा। पुतला दहन में कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। आदिवासी भील समाज संगठन तहसील अध्यक्ष सोनू ओसारी, पंचायत अध्यक्ष ददू ओसारी, संतोष ओसारी, समरिया बघेल, सोहन ओसारी, गजानंद ओसारी, मोहन भाई आदि मौजूद रहे। धार धर्मपुरी से विशेष संवाददाता सोनू मीना की रिपोर्ट। सोनू ओसारी, भील संगठन तहसील अध्यक्ष धर्मपुरी। ये क्या कार्यक्रम है आज? ये कार्यक्रम है सर, यहाँ पर अपने माननीय मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री जो कि रंजना बघेल जी ने अपने आदिवासी भाइयों के लिए विवादित बयान दिया है कि पीले गमछे वाले चोरी करवाते हैं, तो इसके लाभ में उनका पुतला दहन कर रहे हैं हम। पीला गमछा तो प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री अमित शाह और हमारे प्रधानमंत्री ने भी पहना, इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे? पीले गमछे के कारण अभी सभी मतलब इस मध्य प्रदेश क्या दिल्ली तक हिल गए, इसलिए बिरसा मुंडा की जयंती मनाने के लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी आए, पीला गमछा सभी डाल रहे हैं। पीले गमछे ने ऐसा कुछ नहीं किया है, मतलब तो इन्होंने विवाद बयान दिया है, ये ऐसा नहीं चलेगा। आपका नाम? सोनू ओसारी, तहसील अध्यक्ष भील संगठन धर्मपुरी। बलराम कनेल, ग्राम पंचायत डोंगरी जसोड़ा से। ये अभी जो भीड़ इकट्ठी और ये पुतला जो खड़ा है, ये क्या कार्यक्रम? ये जो भीड़ इकट्ठी हुई है आज, तो ये पूर्व कैबिनेट मंत्री रंजना बघेल जी जो आदिवासी समाज से बिलोंग करती है, इन्होंने हमारे पीले गमछों को हमारी संस्कृति के ऊपर टिप्पणी की है कि पीले गमछे वाले जो जब से आए हैं तब से चोरियों की तादाद बढ़ती जा रही है। तो उनका जो बयान आया है वो भी कल आया, तो इसका मतलब यह है कि या तो वो हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने अभी आदिवासियों को लुभाने के लिए पीला गमछा धारण किया था, मुख्यमंत्री जी ने भी पीला गमछा धारण किया, या तो उनको ये चोर कह रही है या फिर हमारे समाज के लोगों को जो कि हमने हमारी वेशभूषा है, पीला गमछा हमारी पहचान है, तो वो आए और स्टेज पर आकर हमसे या तो माफ़ी मांगे या फिर वो बोल दे कि उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को चोर बोला है। संतोष कटारे, आदिवासी भील समाज संगठन धार जिला अध्यक्ष। आप जो ये आज पुतला दहन जो किया जा रहा है रंजना बघेल जी का, तो ये किस उद्देश्य से और किन के आह्वान पर किया जा रहा है? ये प्रदेश अध्यक्ष लाल सिंह बर्मन जी के आह्वान पर मैं जिला अध्यक्ष संतोष कटारे और मेरे तहसील अध्यक्ष सोनू ओसारी जी और हमारे ये जितने भी आदिवासी भील समाज संगठन के सदस्य हैं, ये आदरणीय दीदी रंजना बघेल जी ने जो हमारे समाज के जो संगठन हैं उनके ऊपर जो चोर जैसे शब्द का उपयोग किया है, ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि वो खुद एक आदिवासी समाज से हैं और उन्होंने अपने भाइयों को ये सब बोला, तो वो अपने शब्द वापस ले, नहीं तो अन्यथा आने वाले समय में उनको ये समाज का कोप झेलना पड़ेगा और वो कहीं की नहीं रहेंगे। समाज से कोई टक्कर नहीं ले पाया है। आज देखो उनके प्रधानमंत्री दौड़े दौड़े भोपाल आए हैं, उनके मुख्यमंत्री जी भोपाल में आदिवासियों के कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उनको क्या इसका एहसास नहीं है क्या? उनकी जो संस्कृति मंत्री, उन्होंने पहले कुछ आदिवासियों को देशद्रोही कहा था, लेकिन उनको जब आदिवासियों की ताकत का एहसास होता, आज वो माननीय उषा ठाकुर जी खुद अपने गले में पीले गमछे को धारण करके आदिवासी शक्तियों को खुद वो नमन कर रही है। तो रंजना बघेल जी को भी ये सोचना चाहिए, बड़े शर्म की बात है, नहीं तो समाज उसे कहीं कतई नहीं छोड़ेगा। ये जो रंजना बघेल जी यदि उनके शब्द वापस नहीं लेती और आदिवासी समाज से यदि माफी नहीं मांगती है, तो क्या आप आने वाले समय में उग्र आंदोलन प्रदेश भर में किया